वेलकम टू इंडियस चैनल, अ चैनल फॉर नॉलेज अपडेट। दो दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास वन ऑफ द रिमार्केबल बिल, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019। और ये जो है वो एप्लीकेबल है इफेक्टिवली फ्रॉम 21 फरवरी 2019 इमीडिएटली। ये ऑर्डिनेंस जो है वो हर एक जन को एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इसलिए काफ़ी सारी क्वेश्चंस क्वेरी आ रही है कि आफ्टर दिस ऑर्डिनेंस क्या मैं लोन ले पाऊंगा बिजनेस के लिए, अगर मैं रिलेटिव से ले रहा हूं या मेरे फ्रेंड से ले रहा हूं या मैं किसी और से ले रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो ये अलाउड है कि नहीं है। बिकॉज इसमें जो प्रावधान है पेनल्टी का वो बहुत हार्श है, तो उससे बचने के लिए तो क्या मेरे बिजनेस क्या उसका अफेक्ट पड़ेगा, ये है ऑब्जेक्टिव ये पर्टिकुलर वीडियो का। डिस्क्लेमर, ये मेरे पर्सनल व्यूज है, दिस इज नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज अ प्रोफेशनल एडवाइस एंड अकॉर्डिंगली यू आर एडवाइज टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आया क्यों, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी। काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट को एक परेशानी थी कि पोंजी स्कीम्स और फ्रॉड्स जो हो रहे थे इसमें काफ़ी स्मॉल डिपॉजिटर्स के पैसे जा रहे थे, और गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि ऐसा कुछ रेगुलेशन बनाओ जिससे इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। 2016-17 की जो बजट की स्पीच थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेशन वुड बी ब्रॉट इन टू डील विद द मेनेस ऑफ इलिसिट डिपॉजिट टेकिंग स्कीम्स। 17-18 में भी बोला कि ऐसा जो लॉ जिससे इस तरीके का फ्रॉड होते हैं, पोंजी स्कीम होती है, उसको स्टॉप करने का, उसके ऊपर रेगुलेट करने का बिल वो ऑलरेडी दिया हुआ है ड्राफ्ट, और वो इमिजिएटली विद वेरी सून इट बिकम लेजिस्लेशन। एक प्रेस रिलीज जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में ऑफ 3rd August 2018, उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा है कि फरवरी 2018 के दिन पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED हैज टेकन अप इन्वेस्टिगेशंस इन 52 केसेस अगेंस्ट पोंजी स्कीम्स। CBI ने 133 केस के अंदर लास्ट 3 साल में पोंजी कंपनीज के सामने एक्शंस लिए हैं, एंड नाउ देयर इज अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटेड द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो ये अपने को ऐसा सुझाव देता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो इस तरीके का स्मॉल डिपॉजिट के जो पैसे है उसको बचाने का, जिस तरीके से फ्रॉड हो के हर एक जन का पसीने की कमाई लॉस हो रही है उसको बचाने का एक बड़ा एक्शन लिया है। लेट अस अंडरस्टैंड कि द कोर प्रोविजन क्या है ये एक्ट के अंदर। Section 3 ऑफ द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, इट सेज दैट द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शैल बी बैंड। तो पूरा जो प्रभाव है, मदार है, वो पूरा है कि ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या है, वो डिफाइन किया है इन Section 2, Subsection 17। इट मीन्स अ स्कीम और अरेंजमेंट। सो नॉट ओनली स्कीम बट एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ थिंग्स which he qualifies arrangement under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulated deposit scheme as specified in under column 3 of the first schedule. So, teen cheez yahan pe bahut important hai. First, what is deposit? Second, by any deposit taker, the word used deposit taker, वो क्या है, एंड थर्ड थिंग इज दैट बाय वे ऑफ बिजनेस। लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट हु इज डिपॉजिट टेकर टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज एप्लीकेबल एंड टू व्होम इट इज एप्लीकेबल। जैसे पहले बताया कि इट इंक्लूड्स एवरीवन, सो डिपॉजिट टेकर डेफिनेशन इज अ वेरी एग्जॉस्टिव। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रॉपर्टी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, AOP, ट्रस्ट, कॉर्पोरेट सोसाइटी, any other arrangement whatsoever nature are there. So
एक्सेप्ट द फ्यूज एक्सेप्शन इट इंक्लूड मेजोरिटी एवरी काइंड ऑफ पर्सन. नाउ लेट अस नो व्हाट इज डिपॉजिट. ये डेफिनेशन डिपॉजिट की इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता है तो वो केस के अंदर ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा. बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट डिपॉजिट. अगर वो डिपॉजिट नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं है. देयर इज नो पॉइंट टू वरी एंड यू कैन फ्रीली गेट द मनी फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन. सो लेट अस लुक एट व्हाट इज डिपॉजिट डिफाइंड. इट मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय एनी डिपॉजिट टेकर विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर स्पेशल पीरियड और अदरवाइज either in cash or kind or in another form with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit. So if you look at the first part of deposit, it is very exhaustive. It includes every kind of money which is taken with a promise to return and it may be with or without benefit. So interest hai, interest free hai, it doesn't make any difference. However, that deposit definition has been limited by way of but does not include. And the most critical aspect for all of us to see that agar apna transactions it does not include ke andar aa raha hai to then you are safe, you are not required to comply with this kind of regulation schemes and you can accept the money. Let us look at the most important provisions in does not include. Does not include mein kafi sare list hai but hum jo bahut important clause hai us pe focus karte hai. E as a part of 2.4 amount received by way of contribution towards capital by partner. F from loan from relatives if individuals or loan from relatives of any of the partners. And then L. अब E और F में हम देखें तो अगर आप partner हो तो आप capital कंट्रीब्यूट कर सकते हो LLP के फॉर्म के अंदर. अगर आप इंडिविजुअल तरीके आपको पैसा लेना है तो आप रिलेटिव जो है उससे ले सकते हो. तो इंपॉर्टेंट है हुई इज रिलेटिव. रिलेटिव विच इज डिफाइंड इट अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 विच इंक्लूड्स विच मीन्स मेंबर ऑफ HUF स्पाउस हस्बैंड और वाइफ फादर मदर सन सन्स वाइफ डॉटर डॉटर्स हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर. सो दिस इज डिफाइंड केस फ्रॉम विच फ्रॉम वूम यू कैन एक्सेप्ट द मनी. तो ये सब केस से आप अगर पैसा चाहिए लोन के लिए तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा ले सकते हो आपके बिजनेस के लिए. अब आते हैं क्लॉज जो एल है. एन अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड बेरिंग अ जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस इंक्लूडिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना क्लॉज है. क्या कह रहा है कि अगेन आई एम रीडिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन. एन अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड बेरिंग अ जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस. तो दो चीज इंपॉर्टेंट है. बिजनेस के लिए पैसा लिया है आपने और उसका जेन्युइन रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए तो वो डिपॉजिट नहीं है. अब उसके नीचे जो लिखा हुआ है उसमें वर्ड इंक्लूडिंग है. अब जब मैं ये डिपॉजिट का सेक्शन कंपनीज एक्ट से कंपेयर कर रहा हूं तो कंपनीज एक्ट में भी एक रूल 2.1c के अंदर ऐसा एक्सक्लूजन दिया है बट वहां पे वर्ड इंक्लूडिंग नहीं लिखा है. सो दैट मीन्स इन कंपनीज एक्ट डिपॉजिट सेक्शन इज वेरी स्पेसिफिक व्हाइल हियर द डिपॉजिट इज गोइंग बाय द फर्स्ट इज फॉर द बिजनेस एंड हैविंग अ जेन्युइन कनेक्शन द बिजनेस इज वेरी क्रिटिकल इट एंड देन इट सेज इंक्लूडिंग. अब इंक्लूडिंग में व्हेन लुक एट द पॉइंट 1, 2, 3, 4 देयर इट टॉक्स अबाउट मेनली एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एडवांस इमोबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी डिपॉजिट. नाउ ये सब जो केस है वो दे आर नॉट द ओनली केस कवर्ड. माय हियर व्यू इज दैट इफ यू एक्सेप्ट एनी मनी फॉर द पर्पस एंड द बिजनेस एंड विच आर हैविंग जेन्युइन कनेक्शन विद द बिजनेस देन इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट एंड इन दैट केस इट इज एग्जेम्प्ट. सो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक connection which I believe is that for all of us that if for the business you are accepting money and you are able to prove that it's genuinely required for your business
एंड देन देर इज नो नीड टू वरी एंड यू कैन गो अहेड विद द अमाउंट विच इज रिसीव्ड इवन इफ इट इज नॉट फ्रॉम रिलेटिव. इंक्लूडिंग में देखते हैं तो चार चीज है जहाँ पे बात किया है उस तरीके से कि फॉर गुड सर्विसेज, इम्प्रूव प्रॉपर्टीज, डीलरशिप डिपॉजिट्स, एडवांस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. और ये चारों के नीचे लिखा है कि ये जो चार आइटम है अगर वो रिफंडेबल बनती है देन इट विल बी डीम्ड एज अ डिपॉजिट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच दे बिकम ड्यू फॉर रिफंड. तो अगर आपने एडवांस लिया है गुड्स के लिए और कुछ तरीके से उसमें रिजेक्शन आ गया और आपको एडवांस वापस करना है तो 15 दिन तक दिक्कत नहीं है, 15 दिन के बाद इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट, इट वॉन्ट बी ट्रीटेड एज अ नॉन डिपॉजिट, इज डिपॉजिट, सो यू टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस. अगर ये चार केस है तो, बट जो पहले जो बात किया कि अगर बिजनेस रिलेटेड है उसके बाद वर्ड इंक्लूडिंग डाला तो इंक्लूडिंग वर्ड से इतना एक कंफर्ट आ रहा है कि इट इज नॉट द ओनली केसेस, उसके अलावा भी अगर हमने पैसा लिया है तो आपको दिक्कत नहीं है. दूसरा चीज देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूडीएस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था वो क्या था, द वर्ड विच वॉज यूज वॉज बाय वो बिजनेस. दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर बिजनेस, नॉट इन नॉट इन द मोड ऑफ बिजनेस, बट बाय वे ऑफ बिजनेस मीन्स इफ एनीबडी इज एक्सेप्टिंग मनी एज अ बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड फाइनेंसिंग मनी देन दिस काइंड ऑफ केसेस आर कवर्ड. अगर आप बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए पैसा ले रहे हो तो दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. जो हमने यहाँ पे लिखा कि ये क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड बैरिंग अ जेन्यून कनेक्शन बिजनेस, बट ये जो केस है यूडीएस के अंदर वहाँ पे है कि बाय वे ऑफ बिजनेस. अगर आप जो स्कीम और अरेंजमेंट है जहाँ से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, सोलिसिट करते हो बाय वे ऑफ बिजनेस, दैट इज यू आर इन्वॉल्व इनटू द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग और सोलिसिटिंग डिपॉजिट, देन दिस इज गोइंग टू रेगुलेट. दैट इज वॉट द इंटेंशन एंड ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग वी कैन कंक्लूड. अगेन टूडे ऑल्सो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज ट्वीटेड दैट द जेन्यून बिजनेस इज डिपॉजिट विच आर टेकन फॉर जेन्यून पर्पज ऑफ बिजनेस आर एग्जेम्प्टेड. दैट ट्विटर ऑल्सो यू कैन लुक एट माई फाइनेंस मिनिस्टर. सो माई व्यू हियर इज दैट दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब दिस काइंड ऑफ पॉन्जी स्कीम्स वेन द मनी ऑफ द स्मॉल डिपॉजिटर्स हैव बीन लाइक मिस यूज, दे हैव बीन फॉर्ज. हाउएवर तो ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि स्मॉल बिजनेस जो है या जिसको धंधे के लिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए उस पर कोई लगाम लगा है. बिजनेस करना तो चाहिए ही है, उसमें गवर्नमेंट आप सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बट जेन्यून केस में बिजनेस के लिए अगर आपको पैसा चाहता हो तो आप वो ले पाओगे, ऐसा मेरा व्यू है. इनकेस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, गिव योर कमेंट and subscribe to the channel. Thank you so much for your suggestions are always welcome. Thank you.